क्या गर्म हो गया? ये गर्म हो गया है। क्या है इसमें? ये गर्म है। क्या है? क्या वो फल्ला इतना गर्म? ये दिखाओ तो इसमें है क्या? इधर तो आओ इब्राहिम, लेके आओ ये गरम गरम। इब्राहिम फल्ला इतना गरम, बहुत गरम है, खोलो इसको। ओ इतना गरम खाना पक रहा है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंड आप लोगों ने देखा ही होगा इब्राहिम का क्या खाना पक रहा है। पहले तो मैं भी शॉक थी कि इसमें क्या क्या ऐसा गरम क्या है भाई, बच्चा क्या कह रहा है। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने कहा वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे जा रहा है भाई। दूसरी तरफ सुलेमान साहब की जो है हैप्पी बर्थडे टू यू हो रही है, क्योंकि इनकी हैप्पी बर्थडे आने वाली है, तो ये हैप्पी बर्थडे टू यू करना सीख गए। इनको इतना पता है हैप्पी बर्थडे होती तो उसमें क्लैपिंग करते हैं। सो जी मैं आज जा रही थी ऊपर ऐसी ना, तो मैंने कहा चलो यार ऐसे ऊपर वालों के घर भी चलते हैं, तो यहाँ से मुझे व्यू ना इतना कोई खूबसूरत लगता है ना, जब छत शुरू में यही कहा था हमारे ना सुकून कि आप यहाँ पे दीवार लगना है, पता नहीं क्या क्या बोला था आने का, लेकिन खैर वापस नीचे आना था। तो मैं फिर जब नीचे आई हूँ तो आज हम लोगों ने बनाई थी ये मीठी टिक्कियाँ जिसको कहते हैं। जब फ्रिज और डीप फ्रीज़र जो था आज हमने साफ़ किया, तो उसमें इतनी कोई सूजी और मैदा पता नहीं क्या क्या बहुत ज़्यादा निकला, तो हमने कहा इतना सारा है तो चलो इसकी ना मीठी टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो ये बनी थी मीठी टिक्कियाँ और इतनी कोई मज़े की और इतनी कोई खस्ता बनी थी ना, बहुत ज़बरदस्त। मैंने सोचा था आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी जो है वो मैं शेयर करूँगी, बट मुझे इतना कुछ टाइम मिला नहीं क्योंकि मैं ऊपर गई हुई थी। और मैं आपको एक दूसरी चीज़ यहाँ पर दिखाती चलती हूँ कि इब्राहिम इतना कोई क्रेज़ी है, इतना बलून्स के पीछे पागल है ना, वो इस तकिए के नीचे अपने बलून्स ना छुपा के गया है। शाम को बब्बू जी के घर चला जाता है अपने नाना नानी के घर, तो वो ये तकिए के नीचे अपने बलून्स अपने ब्लॉक छुपा के गए कि मम्मा जो है इसको उठा के कहीं रख ना दें। मैं चादर सही करने आई थी तो जब मैंने देखा तो यहाँ बलून्स पड़े हुए, मैंने कहा ओ माय गॉड। और फिर जब ये रात को अब्बू जी के घर आए तो आते से अपने ये बलून्स जनू इसके नीचे रखे हैं आपने। ओ यार छुपाता कौन है बलून? हाँ क्यों छुपाया आपने यहाँ है इब्राहिम? इब्राहिम इब्राहिम बाबा आजा नमाज पढ़ के, तो फिर हम इब्राहिम का ऑफिस काम आज खोलेंगे। सही है बाबा आ जाए ना। पता नहीं हो ये कांची कुत्ता है, मेरे को तो पता ही नहीं, आप बता दो कांची कुत्ता है। छुरी से खुलता है, सुने मुझे नहीं पता ये कौन है। बीबी जो दादा है You says, M.
ए ए कौन सा ए मंकी एम फॉर मंकी एन सेज डब्ल्यू सेज डब्ल्यू रिम चलो ये देखो ए अल्फाबेट ए बंद करो लैपटॉप अपना बंद करो ऐसे करके करो चलो तो जी ये यहाँ पक रहा है देसी घी और आज हमने बनाई थी काली मसूर की दाल। देसी घी जो है घर में ही बनाते हैं, घर में ही बनता है, सभी को पता होगा कैसे बनता है, मलाई से बनता है। मैंने सोचा था रेसिपी इस बार आप लोग से कोई भी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की और इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ। जो फाइनल लुक देसी घी का हमारा जो बनने के बाद आया है वो देखें, ये ऐसा है। फ्लैश ऑन करके मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने फ्लैश ऑन नहीं किया हुआ इस वक्त। ये देखें बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल बहुत ही उसकी खुशबू जो उसकी स्मेल थी इतनी ज़बरदस्त आ रही थी ना इस वक्त। वैसे तो मैं देसी घी खाती नहीं हूँ, बस घर वाले खाते हैं तो इसलिए घर में बनता है देसी घी, बट मैं नहीं खाती हूँ। आज को इतना खूबसूरत मौसम, एकदम से ना वो कहता चाहिए ना काली घटा आंधी आ रही थी, बारिश का बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा था, क्योंकि सारा दिन ना बहुत हब्स रहा था, बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो आज ये हो रहा था यहाँ बारिश का मौसम, अचानक ही ना मौसम चेंज हो गया और काली घटा सी आनी शुरू हुई और मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ने लग गई थी। तो मैंने